हेलो गाइस वेलकम बैक और आज से हम जो है हमारी इस कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट के फिफ्थ यूनिट फिफ्थ सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं तो प्रीवियस सेशन जो था हमारा प्रीवियस यूनिट जो थी हमारी वो थी हमारी क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड कि हम अपने डेटा को कैसे सिक्योर रखते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस और फिफ्थ यूनिट के अंदर जो है आज हम इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और ये जो हमारी पूरी फिफ्थ यूनिट है पूरी फिफ्थ यूनिट के सेशन पूरे फिफ्थ यूनिट की वीडियोज हमारी रहेंगी ये हमारी कम प्लीटली इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रहेगी कि कैसे जो है हमारे दो डिजिटल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आप एक प्लेस से बैठे बैठे वर्ल्ड के किसी भी प्लेस में जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं वहां से अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस है कैसे इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करता है कैसे उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं कौन कौन से लूप होल्स हैं कौन कौन से हमारे सिक्योरिटी वीकनेस है इंटरनेट सिक्योरिटी की इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सभी जो है इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जो है आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर जो है हम कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा कोड इंजेक्शन अब कोड इंजेक्शन नाम से पता चलता है कि कोड को जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इसके अंदर जो है हमारे हैकर जो होते हैं वो हमारी सिस्टम की वर्नरेबिलिटीज़ को लूप होल्स को जो है कभी कभार जो है समटाइम्स एक्सप्लोइट कर लेते हैं और एक्सप्लोइट करने के बाद जो है वो हमारी एप्लीकेशनस के अंदर हमारे डिजिटल डिवाइस चाहे वो कंप्यूटर हो लैपटॉप हो मोबाइल हो उन सभी के अंदर जो मेलिशियस कोड को इंसर्ट कर देते हैं तो वो जो मेलिशियस कोड वो इंसर्ट कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कोड इंजेक्शन अब इसके अंदर जो है ये जो हमारी वनरेबिलिटी होती है ये चाहे तो किसी टेक्स्ट इनपुट फील्ड के अंदर मिल सकता है यूजर की या किसी यूजर नेम के अंदर मिल सकता है या फिर समाइम्स जो है एस क्यू एल स्टेटमेंट जो है वो एंटर कर दी जाती है अब एस क्यू एल स्टेटमेंट बेसिकली आपके डेटा बेस की स्टेटमेंट होती है जो कि डेटा को फेच करने के लिए डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है तो इस प्रोसेस को जो है हम समाइम्स एस क्यू एल इंजेक्शन अटैक पर बोलते हैं बिकॉज वो जो हमारी वेलेबिलिटी है हमारी इनपुट फील्ड की वहाँ पर जो एस क्यू एल स्टेटमेंट को रन कर दिया जाता है और जो हमारा एस क्यू एल का जो डेटा बेस है उससे जो इंफॉर्मेशन हैकरस निकाल लेते हैं एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं और इसीलिए जो है इस कोड इंजेक्शन को जो है अगर हम स्पेसिफिकली एसक्यूएल के टर्म्स में बात करें डेटाबेस के टर्म में बात करें तो इसको हम बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक अब इसी टाइप के जो हमारे कोड इंजेक्शन के अटैक है ये और भी होते हैं इसके अंदर कुछ इंक्लूडिशन है शेल इंजेक्शन की ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड अटैक्स की कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो कमांड्स होती हैं उसको जो अटैक कर दिया जाता है स्क्रिप्ट इंजेक्शन की जो हमारे जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारे वेब पेजेस होते हैं उन स्क्रिप्ट का जो डेटा है उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनको चेंज कर दिया जाता है एंड समाइम्स डायनेमिक एवेल्यूएशन अटैक तो ये सारे जो है जितने भी अटैक्स के मैंने अभी आपको टाइप बताए ये सभी जो आते हैं हमारे कोड इंजेक्शन के प्रॉब्लम इंटरनेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सेकेंड जो हमारी प्रॉब्लम है वो आती है हमारी डेटा ब्रीच की जो हमने पिछले बारे में बात किया यहाँ पे कोड इंजेक्शन की जब कोड इंजेक्शन हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारा डेटा है वो इजीली जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है इजीली जो हमारा वो डेटा ब्रीच हो जाता है अब डेटा ब्रीच जो है बेसिकली ये आपका एक इंसिडेंट होता है जो कि आपकी सेंसिटिव या फिर मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है वो एगर को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है अब इसके अंदर जो है क्या होता है हमारा जो डेटा है वो ब्रीच हो जाता है हमारा सेंसिटिव डेटा हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहे वो हमारे बैंकिंग पासवर्ड हो लॉग इन क्रीडेंशियल्स के पासवर्ड हो वो सभी जो है हमारे एक्सेस हम नहीं कर सकते और कोई अनऑथराइज पर्सन जो है यानी कि हैकर जो है उन चीज़ों को एक्सेस कर लेगा और जो डेटा ब्रीच होता है इसके अंदर जो हमारे कुछ इंफॉर्मेशन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यह आती है हमारी पर्सनल हेल्थ इंफॉमेसन पी एच आई पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन पी डबल आई एंड एट लास्ट ट्रेड सीक्रेट स्ट्रेट सीक्रेट या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि मैंने अभी आपको बताया बैंकिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारे डेटा है वो जो है ब्रीच हो जाता है लीक हो जाता है तो इन्हीं की वजह से जो है हमारे बैंकिंग से जो है समटाइम्स हमारी मनी को स्टील कर लिया जाता है हमारे पैसों को निकाल लिया जाता है तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा डेटा ब्रीच का कॉन्सेप्ट होता है और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की ये भी जो है बहुत ही बड़ा लूपबोल है थर्ड आता है इसके अंदर हमारा मेलवेयर इन्फेक्शन अब मैनवेयर जो है मैनवेयर का मतलब है मेलीशियस और वेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर मेलीशियस सॉफ्टवेयर इन्फेक्शन तो बहुत बार हम देखते हैं कि जो हमारे मेलीशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं जो एप्लीकेशन हम, हम यूज़ करते हैं वो सभी जो है हमारे सिस्टम को हमारे कंप्यूटर को इनफिल्ट्रेट कर देते हैं या फिर इन्फेक्ट कर देते हैं ये जो है हमारे इंटरनेट का एक बहुत ही बड़ा लूप होल है कि बहुत बार जो है हैकर हमारी वेबसाइट्स के अंदर हमारे एप्प्लीशनस को जब हम डाउनलोड करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है अपने वायरस को अपने ट्रोजन्स को अपने स्पाइवेयर को अपने रैनसम वेयर को जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं और जब भी हम हाँ उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं या फिर रन करते हैं हमारा सिस्टम जो है स्लो होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो है हैकर के पास चली जाती है तो इसके अंदर क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको इन्फेक्ट कर देते हैं और हमारी कुछ मैनवेयर की पॉपुलर कैटेगरीज है जिनका मैंने अभी आपको नेम भी लिया ट्रोजन वायरसेस स्पाइवेयर रैनसम वेयर एडवेयर रूट किट वॉन्ग एट्सेट्रा अब ये जो है बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि जो है मैलवेयर इन्फेक्शन के अंदर आते हैं अब ये सभी जो मैलवेयर टाइप्स हैं इन सब की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ है पर्टिकुलर यूजेस है जिनका जो है हैकर्स यूज़ करते हैं फोर्थ आता है इसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक अब डिडोज अटैक के बारे में हम हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर बेसिकली क्या होता है जो हमारा हैकर होता है वो क्या कर देता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो कुछ ऐसे अटैक या फिर ऐसे कोड को इंजेक्ट कर देता है जिससे जो है वो सिस्टम्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स यानी कि बहुत सारे हमारे डिजिटल डिवाइसेज़ जो है वो एक साथ जो है काम करना बंद कर देते हैं बेसिकली आपके जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनको जो है आप फिर यूज़ नहीं कर सकते और इसके लिए जो है वो फ्लड अटैक का यूज़ करते हैं फ्लड अटैक का मीनिंग है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स में जो है वो अपना अटैक को हैकर्स इजीली इंप्लीमेंट कर देते हैं तो ये भी जो है हमारी एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कि हैकर्स जो हमारे मल्टीपल सिस्टम्स को जो है इजीली वो ब्लॉक कर सकता है और उनकी फंक्शनिंग को स्टॉप कर सकता है और लास्ट इसके अंदर आता है हमारा मैनीशियडर अब मेनीशियस इंसाइड बेसिकली आपके फिजिकल इंसाइडर्स होते हैं समटाइम्स हम इन्हें बोलते हैं इंप्लॉय या फिर फॉर्मर इम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर बिजनेस एसोसिएट्स जो कि पहले उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर चुके हैं और उनके पास लेजिटिमेट एक्सेस है सिस्टम्स का डेटा का लेजिटिव में टैक्सेस का मीनिंग है जब वो वहाँ पे काम करते थे जब वो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते थे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के डेटा का जो है उन पर्सन के पास उन एम्प्लॉयज के पास उन बिजनेस एसोसिएट्स के पास जो है उनका एक्सेस रहता था बट मान लीजिए जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर गए या फिर उन कि कुछ ऐसी सरकमस्टांसिस हो गई कि उन्हें डेटा स्टील करना पड़ा तो उनके पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम की उनके पास होनी चाहिए तो उस टाइम पे जो वो क्या कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सेस है वो उनके पास होता है और उसकी हेल्प से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और स्टील कर सकते हैं अब इसको जो है मेनली जो है वेल मीनिंग स्टाफ बोलते हैं जिसके अंदर जो है एक्सीडेंटली जो है हमारे साइबर सिक्योरिटी जो है रिस्क पे होती है अब ये एक्सीडेंटली क्यों हो रही है बिकॉज़ हमने मान लीजिए सारे सिक्योरिटी टूल्स जो है हमारे सिक्योरिटी पे ऐड कर रखे हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है ऐड कर रखे हैं एंटी मैनवेयर सॉफ्टवेयर हो एंटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वो सब जो है हमने हमारे सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर रखे हैं और डिजिटली जो है कोई भी अटैक हमारे सिस्टम के ऊपर नहीं आ सकता चाहे वो हैकर हो या फिर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो वो हमारे सिस्टम से डेटा को स्टील नहीं कर सकते सकता। तो ये एक्सीडेंटली कैसे हुआ ये एक्सीडेंटली इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे फीजिकल परसन, फीजिकल एंप्लॉईस, एंप्लॉईस, है। वो जो है हमारे को स्टील कर लेते हैं या फिर हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं